हेलो एवरीवन, ये कहानी है जंग सीरी की। सीरी एक ऐसी लड़की है जो अपने अपार्टमेंट में अकेली रहती है, लेकिन इनफैक्ट वो अकेली नहीं भी रहती, क्योंकि उसे मिलने के लिए अक्सर वहाँ पर गोस्ट्स आते जाते रहते हैं। एक्चुअली वो गोस्ट्स को देख भी सकती है और उनको सुन भी सकती है, इसीलिए जब उनका मन करता है वो उसके घर के चक्कर लगाते रहते हैं। और उसके साथ ये हादसा होना तब स्टार्ट हुआ था जब बचपन में उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद से ही उसे हमेशा से आत्माएं नजर आती थीं। सीरी बाय प्रोफेशन एक बारिस्ता थी जो अपने फ्रेंड के कैफे पर काम करती थी और अक्सर वहां पर आने में लेट हो जाती थी क्योंकि भूत उसे तंग करते रहते थे, उनको भी तो टाइम देना होता था। और कैफे ऑनर जो उसकी फ्रेंड थी वो इस बात को अंडरस्टैंड करती थी और उसने कॉम्प्रोमाइज करना भी सीख लिया था। उसके बाद हमें हमारे हीरो को दिखाते हैं जिसका नाम जी चैन है, जो एकदम से खुद को एक सड़क पर खड़े हुए देखता है। वहां पर एक एक्सीडेंट भी हुआ था। अब उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि वो कहाँ से आया है, क्या नाम है उसका, वो कहाँ को जा रहा है। सीरी को कभी कभी अपने कैफे में भी घोस्ट्स नजर आते हैं और वो उनसे बात करती है। और जो नए नए डेड होते हैं उन बेचारों को तो पता भी नहीं होता कि वो आत्माएं हैं, इंसान नहीं। आज भी एक ऐसा ही घोस्ट उसके कैफे में आया होता है और उसको ये बात सीरी बैठकर आराम से समझाती है और उसे तसल्ली देती है कि तुम आदि हो जाओगे। उसकी फ्रेंड ने सीरी को घोस्ट से बातें करते हुए कई दफ़ा देखा था, लेकिन फिर भी वो यूज टू नहीं हो पाती थी। हमेशा उसे ये देख कर गूस बम्प्स आ जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि एक बहुत हॉरर से शक्ल वाला भूत सीरी पर हमला करने वाला होता है कि इतने में जी चैन वहाँ पर आ जाता है, उस घोस्ट को पकड़ लेता है और उसके हाथ लगाते ही वो घोस्ट गायब हो जाता है। जी चैन में थोड़ी सी पावर्स बाकी घोस्ट से डिफरेंट थी। वो ये थी कि वो लोगों को छू भी सकता था। कि पावर्स में एक्सेप्शन क्यों थी ये तो अभी हमें पता नहीं चलता। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि जी चैन की कंपनी जिसका नाम KS कंपनी था, वहाँ से उसका भाई और उसकी बहन उसे आजकल तलाश कर रहे होते हैं क्योंकि वो मिसिंग हुआ था, जिसकी वजह से वो दोनों बहन भाई काफी परेशान नजर आते हैं। जबकि उसी टाइम पर सीरी वो जी चैन को समझा रही होती है कि तुम नए नए घोस्ट बने हो लेकिन आदि हो जाओगे, तुम डेड हो। जी चैन को उसकी बातें एकदम बकवास लगती हैं और वो बाहर चला जाता है। बाहर एक लड़की से वो टकराता है, वो उनको सॉरी करता रहता है, वो उसकी बात ही नहीं सुनते। तो अब उसे रियलाइज होता है कि वाकई सीरी ने सच कहा था। वो फौरन से उसके पास आता है और कहता है कि तुम सच कह रही थी लेकिन मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा, तुम मेरी हेल्प करो ना, मैं कौन हूँ, मेरी मेमोरीज तो बिल्कुल ब्लैंक है, मैं कहाँ जाऊँ। वो इसलिए सीरी के पास आया था, उसे लगा था ये शायद कोई शमन है क्योंकि सिर्फ वही उसकी आवाज़ सुन सकती थी और कोई भी नहीं। अब जी चैन उसी से ही लड़ने लगता है और उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है जब वो उसकी बातों का जवाब दिए बिना जा रही होती। कैफे से काम के बाद जब सीरी घर पहुंचती है तो देखती है कि जी चैन उसके घर पर भी पहुंचा हुआ है। वो उसे कहती है कि तुम बहुत इल मैनर्ड इंसान हो, ऐसे ही एक लड़की के घर पे आ गए। वो कहता है कि चाहे जो भी हो मैं कुछ दिन यहीं पर रहने वाला हूँ। सीरी उसे काफी डांटती और धक्के देकर निकालने वाली होती है, लेकिन फिर जब वो प्यारा सा मासूम सा फेस बना के कहता है कि मेरे पास कोई जगह नहीं जाने को, तो सीरी उसे रहने की इजाज़त दे देती है। अब सीरी कहती है कि ठीक है, मैं तब तक तुम्हारी हेल्प करती हूँ जब तक तुम्हें याद नहीं आ जाता कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। जी चैन बड़े कूल स्टाइल में कहता है, वैसे भी तुम्हारे साथ लिविंग टुगेदर में परेशान ना होना, तुम मेरी टाइप की लड़की नहीं हो। जी चैन को छूने के अलावा एक और खास बात थी कि बाकी भूतों की तरह से वो जागता नहीं रहता, उसे नींद फील हो रही थी। वो मजे से सोफे पर सोने लगता है, लेकिन सीरी कहती है कि यहाँ पर सो के तुम पछताओगे जरूर। और वाकई ऐसे होता है, रात होते ही वहाँ पर भूतों की पूरी पूरी फौजें आना स्टार्ट हो जाती हैं, इवन के उसे बुरे बुरे सपने भी आते हैं। एक सपना इतना हॉरर होता है कि जिसमें वो देखता है कि एक वाइट आईज वाली ईवल स्पिरिट उसके पास आई है और उसे कह रही है कि तुम इस जगह के नहीं हो। वो डर कर आंखें खोलता है तो बेडरूम में होता है और फिर देखता है तो तीन तीन भूत उसके सीने पर सवार बैठे होते हैं। ये तीनों भूत सीरी के फ्रेंड्स थे, इसमें से एक ग्रैंडमा थी और दो यंग थे। वो लोग यही तारीफें कर रहे होते हैं कि जी चैन कितना हैंडसम है। अब जी चैन उनकी बातों से एकदम हॉरर फील करता हुआ बाहर जाता है तो सारे लाउंज का तो सीन ही बदला हुआ होता है। सारी रात वो वहाँ पर भूतों ने धमाल मचाया होता है, हर चीज उल्टी पड़ी होती है। अब ये वाले तीनों भूत काफी फनी थे और आपस में मजाक भी करते रहते हैं और जी चैन उनको चुप कराता है कि बेचारी को सोने तो दो। यहाँ पर वो अपने वही व्हाइट आईज वाले भूत के सपने का जिक्र करता है तो ग्रैंडमा एकदम चौंक उठती है और कहती है कि कौन सा
घोस्ट देखा था तुमने सपने में, मुझे डिटेल्स बताओ। वो बताता है तो पता चलता है कि वो तो एक ईवल स्पिरिट वाला घोस्ट है और वो बहुत खतरनाक है। वो दूसरे सिंपल घोस्ट्स को खा भी सकता है, उनकी पावर्स छीन लेता है और खुद पावरफुल बनता है। वो ईवल घोस्ट सीरी पर भी अटैक करना चाहती थी। अब जीचन नया नया घोस्ट बना था तो उसे अक्सर कम्युनिकेशन एरर्स होने लगते थे, उसे आवाज़ें आनी बंद हो जाती थी। नए घोस्ट्स के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होता है, इसी वजह से वो लोग ऊंचा ऊंचा बोलते हैं और बेचारी सीरी की आंखें खुल जाती हैं। अब जीचन भी सीरी के साथ ही उसके कैफे पर पहुंचता है। वो दोबारा से लेट थी तो उसकी फ्रेंड आज उसे विश देती है, कहती है कि बूढ़े बूढ़े घोस्ट तो तुमने बहुत देखे हैं, काश तुम्हारी लाइफ में कोई हैंडसम सा घोस्ट आए अब। और ये विश वाकई पूरी हो ही चुकी थी। अब सीरी को जीचन अपने साथ उसी चौक पर लेकर जाता है जहाँ पे उसने खुद को कल खड़ा हुआ देखा था, ताकि उसकी मेमोरीज कुछ वापस आने में हेल्प हो सके। यहाँ पर ग्रैंडमा जीचन को सिखाती है कि वो किसी की बॉडी में भी एंटर हो सकता है। अब वो उसमें एंटर होकर अपना कम्युनिकेशन एरर दूर करता, वो सही बोल सक रहा था, सही सुन सक रहा था। लेकिन एक लिमिटेशन भी होती है, वो घोस्ट ज़्यादा देर तक किसी की बॉडी में नहीं रह सकते, वो बॉडी अपनी छुड़ा लेता होता है। उसके बाद जीचन एक लड़की को देखता है और उसकी बॉडी में घुसने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सीरी जेलस हो जाती है और उसे रोक लेती है। इतने सारे फिनोमेनास के बीच एक और चीज़ भी होती है, जीचन को गर्मी भी लग रही होती है, उसे कोई मारे तो उसे तकलीफ भी होती है, ऐसा तो हर घोस्ट के साथ नहीं होता। तो यहाँ पर सीरी अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसे बताने लगती है कि मेरी बात केयरफुली सुनो, मुझे लगता है कि तुम अभी डेड नहीं हो, तुम घोस्ट बने ही नहीं हो, वरना तुम में इस तरह की फीलिंग्स ना आती। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम जिंदा हो और तुम हो सकता है बच भी सकते हो, इसीलिए जल्दी से जल्दी अपनी बॉडी के करीब पहुँचने की कोशिश करो। उसे इतनी लंबी स्टोरी बताकर जब वो चली जाती है तो पीछे जीचन सोचता है पता नहीं ये क्या कह गई, केयरफुली बात सुनो, उसके बाद तो कम्युनिकेशन एरर हो गया था, वो कुछ भी नहीं सुन पाया था। अब रात को वो सीरी के घर पर एक घोस्ट लड़की को देखता है और वो लड़की एक जेब कतरी घोस्ट होती है, उसका पर्स चुराने की कोशिश कर रही थी। जीचन काफी पावरफुल था, वो अक्सर घोस्ट को अपनी पावर से भगा दिया करता था। इतने में सीरी को याद ही नहीं रहता कि कोई घर पर होगा, वो वॉशरूम से ऐसे ही बाहर निकल आती है नहाने के बाद। अब जीजन बेचारा उसको इस तरह से देख लेता है और वो सीरी से काफी मार भी खाता है। अब वो घर से बाहर निकल के सोचता है क्यों इतना रोला डालती है, मैंने इसे बताया था मेरी टाइप की नहीं है, मेरी टाइप की लड़की तो कुछ ऐसी होगी। और जब इमेजिन करता है तो सामने सीरी की शक्ल आ जाती है। अब अगले दिन जीचन को तलाश करते हुए उसकी सिस्टर जी जून उसी कैफे पर आ जाती है कि उसने यहाँ पर उसी दिन विजिट करना था, शायद इसी वजह से वो इस कैफे में आया था अपनी इंस्टिंक्ट की वजह से, लेकिन फिर उसे भूल गया था। पर कैफे की ओनर एकदम से आती है और उन लोगों को डांट कर वहाँ से भगा देती है। पर सीरी को साफ पता चल गया था कि ये उसकी फ्रेंड नहीं है बल्कि ये तो जीचन ही है। और उसके बाहर निकलने के बाद वो जीचन पर गुस्सा करती है तो जीचन उसे कहता है कि इतना गुस्सा ना करो तुम्हें रिंकल्स आ जाएंगे। अब अगले दिन सीरी ढूंढती हुई जीचन के पास जाती है जो उससे नाराज होकर बैठा हुआ था। वो सीरी को कहता है कि तुम मुझसे इज्जत से बात किया करो, मैं तुमसे बड़ा ही हूँ एज में। वो उसे कहती है अपना आईडी निकालो, लेकिन घोस्ट के पास कहाँ से आईडी आए थे। लेकिन जीचन को पता था कि आज सीरी की बर्थडे है और वो चोरी चोरी उसके लिए एक गिफ्ट भी कैफे में रख कर आया था, क्योंकि उसने उसके फ्रेंड्स को उसके लिए प्रिपरेशन करते हुए देख लिया था। अब वो दोनों यहाँ पर नॉर्मली बातें करते हैं और सीरी उसे दोबारा से कहती है कि तुम ज्यादा सैड ना हो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि तुम मरे हुए नहीं हो। और जब इस दफा क्लियरली जीचन ये बात सुन लेता है तो वो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और उसी चौक पर जाकर रोना स्टार्ट कर देता है कि मुझे कुछ क्यों नहीं याद आता। सीरी भी उसके पास आती है, उसे रोते हुए उसे तसल्ली देती है और यहाँ पर पहली दफा जीचन को कुछ यादें आने लगती हैं। उसे लगता है कि वो यहाँ पर खड़ा हुआ था सड़क क्रॉस करने के लिए, किसी ने उसे इंजेक्शन लगाया, वो बेहोश हुआ और एक गाड़ी के नीचे आ गया। अब इससे आगे तो उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ हमें उसके बहन भाई को दिखाते हैं, उसकी सिस्टर जी जून और उसका भाई जी सियो दोनों आपस में यही बातें कर रहे होते हैं कि जीचन उन्हें मिल ही नहीं रहा। उधर सीरी वो एक दफा जीचन के पास आकर बैठती है और उससे कहती है कि तुम क्यों खुद को इतना पैथेटिक फील कर रहे हो, डिसअपॉइंटेड नहीं होना चाहिए तुम्हें, तुम अपने सामने मेरी लाइफ को ही रख कर देखो, मैंने पहले कभी किसी भूत को ये बातें नहीं बताई, पता नहीं क्यों तुम्हें बता रही हूँ कि उसके डैड से किसी ने कंपनी छीन ली थी, उनकी एस्टेब्लिश की हुई कंपनी धोखे से, जिसके बाद उसकी मॉम ने सुसाइड कर लिया था और उसके बाद से उसे भूत नजर आने स्टार्ट हो गए थे।
अब जी चैन को लगता है कि इस बेचारी की लाइफ तो बहुत ही पैथेटिक है, भूतों के साथ रहना पड़ता है। वो उसके साथ बैठकर उन लोगों को बुरा भला कहता है और खूब गालियां देता है जिन लोगों ने उसके डैड से उसकी कंपनी छीनी थी। एक दिन सेरी घर पर अकेली होती है, एकदम से लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं और वो देखती है कि एक ईविल स्पिरिट उसके पास आई हुई है, वही व्हाइट आईज वाली ईविल स्पिरिट। वो सेरी की बॉडी को आज अपने वश में लेने ही वाली होती है कि ऊपर से जी चैन आ जाता है और उस स्पिरिट को भगा देता है। लेकिन इस हादसे के बाद सेरी की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। वो दो दिन तक बेहोश रही थी और उसे टेम्परेचर भी रहा था, लेकिन जी चैन उसके पास ही बैठा रहा, उसका ख्याल करता रहा। जी चैन सेरी को बहुत लाइक करने लग गया था स्लोली स्लोली। अब जब सेरी होश में आती है तो उसके घोस्ट फ्रेंड्स उसे बताते हैं कि किस तरह से जी चैन ने तुम्हारा 3 दिन ख्याल रखा, तुम्हारे साथ बैठा रहा तुम्हारी सुरक्षा के लिए, और अब वो बेचारा फर्श पर लेटा हुआ ही सो गया था। दूसरी तरफ हमें जी यून को दिखाते हैं जो आज जी चैन की बॉडी तक पहुंच गई थी, वो कोमा में था। बाकी सिरी का अंदाजा ठीक था, वो मरा नहीं था। उसे देखकर जी यून उसकी सिस्टर बहुत रोती है। डॉक्टर कहता है कोई बड़ी इंजरी नहीं, ये होश में आ सकता है। अब वो बाहर जाती है और अपने असिस्टेंट को एक थप्पड़ मारती है कि तुमने काम बिल्कुल भी ठीक से नहीं किया। इसका मतलब है जी यून ही जी चैन की दुश्मन थी। अब घोस्ट फ्रेंड्स को दिखाते हैं कि वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में बैठे हुए होते हैं और डाटा तलाश कर रहे होते हैं जो भी कोमा में है। वो यूं करते हैं कि एक नर्स के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ से फिर बड़े मज़े से जी चैन का डाटा निकाल लेते हैं। अब एटलीस्ट जी चैन को अपने नाम और अपनी बॉडी के बारे में तो पता चल जाएगा। उधर हमें जी यून को दिखाते हैं, वो आज ड्रिंक कर रही होती है। इतने में वहाँ पर वही ईवल स्पिरिट आ जाती है। वो घोस्ट उससे कहती है कि मुझे अपनी बॉडी पर वश हासिल करने दो, उसके बाद तुम अपना जो भी मकसद है वो पूरा करना और मैं भी अपना करूंगी, चॉइस तुम्हारी है। अब जी यून बहुत लालची थी, वो जी चैन को मरवा के इस कंपनी पर कब्जा करना चाहती थी, तो वो सोचती है कि क्यों ना इस इविल स्पिरिट को ही यूज किया जाए। वो मान जाती है। उसके बाद दिखाते हैं कि जी यून अपने दूसरे भाई जी सीओ के पास आती है। अब जी चैन तो रहा नहीं था, वो उसको धमकाती है कि जो भी शेयर्स तुमने अपने अलग साइट पर स्टॉक में से रखे हुए हैं वो मेरे हवाले कर दो, और उसका हाथ पकड़कर इतना घुमाती है कि उसे लगता है कि हाथ टूट ही जाएगा। असल में ये उस इविल स्पिरिट की पावर्स थी। लेकिन जी सीओ भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि जी यून आजकल मुझे काफ़ी सस्पिशियस लग रही है, किसी इंसान को उसका पीछा करने के लिए लगा दो। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि उन तीनों घोस्ट फ्रेंड्स ने पता करा लिया था कि सॉन्ग जी चैन ये कहाँ से ताल्लुक रखता है। वो सीरी को बताते हैं कि ये KS कंपनी में ही उनका बेटा है जिसने तुम्हारे डैड के शेयर्स खरीद लिए थे और बाद में उनको धोखा दे दिया था। लेकिन वो सारे सीरी को यही कहते हैं कि जी चैन की हेल्प करना ना छोड़ना, क्योंकि इसमें उसका क्या कसूर, वो बेचारा तो इनोसेंट है ना। और उसके बाद घोस्ट ग्रैंडमा सीरी को आज एक बॉक्स देती है। वो लोग ये बॉक्स को नहीं खोल सकते थे, सिर्फ सीरी खोल सकती थी, क्योंकि इस बॉक्स के सामने जो भी स्पिरिट आएगी वो इसी स्पिरिट बॉक्स के अंदर कैद हो जाएगी। ये सीरी की हिफाजत के लिए था क्योंकि एक ईविल घोस्ट उसके पीछे पड़ी हुई थी। उनकी ये सारी बातें चोरी चोरी जी चैन सुन लेता है। जी चैन को ये भी अंदाजा था कि उसके पास एग्जॉर्सिज्म की पावर्स हैं, वो जिस भी घोस्ट को चाहे उससे मुकाबला करता है और उनको हरा भी सकता है। उधर जी यून को पता चल जाता है कि जी सीओ ने उसके पीछे एक खबरी को लगाया हुआ है। वो उसे पकड़ती है और एक हाथ से उठाकर उसे मार डालती है, और उसके बाद वो सीधा जाती है अपने भाई जी सीओ के पास और उसे धमकाती है। उनको पता चल जाता है कि इसने एक मर्डर भी कर दिया है और अब ये बहुत खतरनाक बन चुकी है। उसका भाई उसे अपने शेयर्स देने से इनकार कर देता है। उसी टाइम पर हमें दिखाते हैं कि जी चैन भी उसी कमरे में मौजूद है। यहाँ पर जी यून सोचती है कि अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, और उसके अंदर की ईविल स्पिरिट उसी के असिस्टेंट को ऑर्डर करती है कि वो अपने बॉस पर हमला कर दे। लेकिन यहाँ एंड टाइम पर जी चैन अपने भाई की बॉडी में एंटर हो जाता है और उस ईविल स्पिरिट का मुकाबला करता है। उनके बीच काफी देर फाइट होती रहती है, जिसके बाद जी यून और वो ईविल स्पिरिट वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इस फाइट के बाद जी चैन काफी एग्जॉस्ट हो गया था। वो जख्मी होकर घर आता है और उसके बाद सीरी उसका काफी ख्याल भी रखती है। उधर जी यून को दिखाते हैं कि वो काफी तंग आ चुकी थी और उस ईविल स्पिरिट से कहती है कि तुम मेरी बॉडी को छोड़ दो, लेकिन वो मिरर में उसके सामने आकर उसको कहती है कि पहले तुमने खुद च्वाइस की थी और अब ये फैसला मैंने करना है कि मैंने कब तुम्हारी बॉडी छोड़नी है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि सीरी किडनैप हो जाती है। जी चैन उस किडनैपिंग वैन के पीछे भागता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। अब उसकी फ्रेंड वो कैफे में बार बार उसका फोन मिलाती है, लेकिन उसे कुछ रिस्पांस ही नहीं मिल रहा था। घोस्ट्स पास खड़े उसे कह रहे थे कि ट्रैकर के थ्रू पता करो, लेकिन वो कहाँ उनकी बात सुन सकती थी। लेकिन वो लोग बाद में उसके फोन से उसकी लोकेशन निकाल ही लेते हैं। एक्चुअली जी यून नहीं, सेरी को किडनैप किया था ताकि उसके पीछे पीछे जी चैन भी वहां पर पहुंच जाए।
ये सारा कुछ इविल स्पिरिट भी उससे करा रही थी। अब वो घोस्ट बाहर निकलते हैं और जी यून का मुकाबला करते हैं। उसके अंदर की इविल स्पिरिट बहुत पावरफुल थी, वो उनको आसानी से हरा सकती थी, लेकिन जी जन वो ज़्यादा पावर्स रखता था। वो वहाँ पर आता है और उस इविल स्पिरिट से मुकाबला करने लगता है। वो सीरी को भी आज़ाद करा देता है, लेकिन उसके साथ वो तीन घोस्ट मिलकर भी उस इविल स्पिरिट को काबू नहीं कर पा रहे थे। इतने में वो जैसे ही इविल स्पिरिट सीरी पर हमला करके उसको वश में करने वाली होती है कि जी जन उसके सामने आ जाता है। एक्चुअली वो लेट इसलिए पहुंचा था कि वो वही स्पिरिट बॉक्स लेने गया था। सीरी उसे रोकती रह जाती है, लेकिन वही स्पिरिट बॉक्स वो खोलता है और उस इविल घोस्ट के साथ साथ वो खुद भी उसी के अंदर कैद हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब सीरी को होश आता है तो वो बहुत रोती है। उसने तो ठीक से जीचन को गुड बाय भी नहीं बोला था और जीचन उसकी लाइफ को बचाते बचाते खुद की कुर्बानी दे गया। अब हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाते हैं। सीरी एक नॉर्मल लाइफ गुजार रही होती है। उसके कैफे में काफी रश होता है क्योंकि अब घोस्ट तो वहाँ आते नहीं थे, सिर्फ 3 घोस्ट फ्रेंड रह गए थे। लेकिन सीरी नॉर्मल हो चुकी थी, वो ना तो उनको देख सकती थी ना उनकी बातें सुन सकती थी। वो लोग सैड हो जाते हैं और उसे गुड बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। इतने में उसके कैफे में कोई एक नया इंसान आता है। जब हमें दिखाते हैं तो वो जी चैन होता है। सीरी उसे देखती है तो बस देखती ही रह जाती है, लेकिन जी चैन उसे कुछ भी याद नहीं था। सीरी खुश थी कि वो बिल्कुल ठीक ठाक है। वो उससे कहता है कि हमने एक दूसरे से पहले मिले हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं। सीरी कहती है बहुत अच्छे से जानते हैं। अब जी चैन डिलीवरी करके वहाँ से जा रहा होता है तो उससे मुड़ कर कहता है कि मुझे भी पता नहीं क्यों, लेकिन तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। और यहीं पर ही इस मूवी की एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।